नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉ एग्जाम गाइड पर। मित्रों, कल 15 जनवरी 2020 को एमपीपीएससी ने अपनी आंसर की जो है वो जारी कर दी है। ये परीक्षा इन्होंने 12 जनवरी 2020 को ली थी। इस परीक्षा में जो द्वितीय प्रश्न पत्र था उसमें कुछ 5 प्रश्नों पर जो कि भील जनजाति संबंधित थे उन पर विवाद उत्पन्न हो गया था, क्योंकि वह प्रश्न जो है नहीं पूछे जाने चाहिए थे, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, इनमें विवाद उत्पन्न हो गया था। तो इन प्रश्नों को एमपीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, अपने प्रश्न पत्र से हटा दिया है। अब मित्रों, प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अब वर्तमान में आफ्टर द आंसर की, जब आंसर की डिक्लेयर कर दी है, उसके बाद एमपीपीएससी के क्वालिफाई मार्क्स पर और कट ऑफ मार्क्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, जैसा कि हम इसका 2019 का जो विज्ञापन देखते हैं उसमें उन्होंने ये वर्णित किया है कि प्रत्येक उम्मीदवार को क्वालिफाई मार्क जो है, अगर वो जनरल कैंडिडेट है और ओबीसी कैंडिडेट है, तो उसे जो है 40% मार्क्स लाना जरूरी है। मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन उसके सही होना जरूरी है। और अगर एससी एसटी की बात करें तो इसमें 30% मार्क्स, मतलब 100 में से 30 क्वेश्चन उनके सही होना जरूरी है। लेकिन मित्रों, अब क्योंकि नई आंसर शीट जो जारी की है इसमें 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अब जो परसेंटेज निकलेगा वो 95 क्वेश्चन से निकलेगा। इसका मतलब अगर जनरल और ओबीसी का अगर हम क्वालिफाई मार्क्स देखेंगे तो वो 38 क्वेश्चन या 76 मार्क्स जो है इस बार जो क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। और अगर एससी एसटी की बात देखेंगे तो 29 क्वेश्चन और 58 मार्क्स जो है सेकंड प्रश्न पत्र में, द्वितीय प्रश्न पत्र में क्वालिफाई मार्क्स रहेंगे। अब बात करते हैं मित्रों की कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, क्योंकि सेकंड पेपर केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का पेपर है, उसको केवल क्वालिफाई करना जरूरी है, उसका कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो कट ऑफ हमने पहले अपनी वीडियो में आपको जो बताया था कि कितना क्या कट ऑफ रहेगा, उस पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इन 5 क्वेश्चनों के डिलीट होने पर। अब मित्रों, हम यहाँ पर आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि हमने अपने पूर्व वीडियो में जानकारी दी थी, हम यहाँ अगर आपको वो विस्तृत रूप से वो जानकारी देखनी है तो आप हमारे पुराने वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए और आप जो है उसके बारे में, हमने तुलनात्मक जो है 2017-18 इन दोनों परीक्षाओं में कट ऑफ क्या था, कितनी वैकेंसी थी, कितनी सीटें थी, इन सबको कंपेयर करके पेपर कैसे आए थे, कठिन था आसान था, सबका हमने तुलनात्मक जो है उसमें बताया हुआ है। और उसके अनुसार हमने 2019 का संभावित कट ऑफ जो है हमने उसमें बताया है। यहाँ पर हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। अगर हम 2019 का जो एमपीपीएससी का विज्ञापन था उसका कट ऑफ देखें तो जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ अगर मेल है तो वह 136 से 140 पर होने की संभावना है, इतने पर कटने की संभावना है। और अगर जनरल फीमेल की बात करें मित्रों तो 124 से 130 नंबर पर कट ऑफ कटे जाएगा। मतलब जो इस दायरे में जितने लोग आ रहे हैं उनको बहुत हद तक संभावना है कि वो जो है मेंस लिखेंगे। और इसके ऊपर जो लोग हैं मित्रों, जिनके अगर 71, 72, 75 है, तो वो 100% मेंस लिखेंगे, अपने एग्जाम्स की मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। और मित्रों, ओबीसी की बात करें तो मेंस में 132-136 तक रहेगा, फीमेल की बात करें तो 130-136 के बीच में कट ऑफ कटेगा। और अगर एससी की बात करें तो मेल्स में 120-124 और फीमेल्स में 118-122 पर इस बार कट ऑफ रहेगा। एसटी में हम देखें तो 98-100 और फीमेल में देखें 92-102। 100 ये जो कट ऑफ है मित्रों, ये संभावित कट ऑफ है, लेकिन पुराने पेपरों को, पुरानी परीक्षाओं को, वैकेंसीज को, सबको अगर कंपेयर करें तो यह संभावित जो है कट ऑफ प्रतीत होता है। वैसे मैं आपको बता दूं मित्रों, इस महीने के लास्ट तक एग्जाम का रिजल्ट जो है डिक्लेयर एमपीपीएससी कर देगी, सारी जो स्थितियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक एक दिन कीमती होता है मित्रों, तो मैंने आपको यहां पर जो जानकारी दी इससे आपको बहुत हद तक यह जानकारी मिल रही होगी कि कितनी दायरे में जो लोग हैं, इन दायरों में जो आ रहे हैं वह लोग अब मेंस की तैयारी करना प्रारंभ कर दें। धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अपडेट्स एमपीपीएससी के हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।